नमस्कार, भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ विपक्ष सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करने में हर तरह से युक्ति लगा रहा है, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है, वहीं अब विपक्ष पर सत्ता में बैठे लोग जमकर हमलावर हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेवारियां विपक्ष की हैं और सत्ता पक्ष सब कुछ ठीक कर रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा एक दूसरे पर हमला करने वाला होगा। हालांकि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, वहीं तेजस्वी यादव और विपक्ष भी अपने अपने हिस्से से पूरी तैयारी कर रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दें। इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सरकार की नाकामियों और कमियों को उजागर कर रहे हैं, सरकार की छोटी से छोटी कमी को भी उजागर करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, और उनका साथ बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे दल दे रहे हैं, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से एनडीए में शामिल दल भी दे रहे हैं। वहीं एनडीए के ही घटक दल जो कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल है, जिसे हम टीम नीतीश कहते हैं, वो भी अब खुल करके सामने आ गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जितना हमलावर होना चाहिए उतना हमलावर नहीं दिख रही है, पर एक बात तो तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू तेजस्वी यादव पर जमकर हमले कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बातें कही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति में चुनाव कराना उचित नहीं होगा, चुनाव की तिथियां बढ़ाई जाए। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग से गुहार भी लगाया था। आपको याद होगा कि कोरोना संकट को लेकर के तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार पर नाफरमानी और जांच में गति को धीमी होने के कारण भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि अब तो आंकड़ों में भी ये बातें पता चल गई हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में जांच की प्रक्रिया बहुत सुस्त चल रही है, देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने गुहार लगाने की बात कही थी। अब इस पर पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोग यानी कि एनडीए की घटक दल हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी अब तेजस्वी यादव पर हमला शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जदयू और आरजेडी के बीच में सामने सामने टक्कर होती थी, पर इसमें अब खास करके चुनाव को स्थगित करने की बात पर भारतीय जनता पार्टी के भी वैसे नेता जो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो मुखर हो गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव को निरस्त कर दिया जाए, उसकी तिथियां बढ़ा दी जाएं। इस बात को लेकर के केसी त्यागी ने बयान देते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के चुनाव टालने की मांग उचित है नहीं, चुनाव आयोग पर इस तरह का कि चुनाव कराने में अक्षम हो जाएगा या चुनाव आयोग को जो कि स्वायत्त संस्था है बातें करके कुतर्क प्रस्तुत कर रही है विपक्ष। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से विपक्ष घबराहट में है और इसी कारण वो चाहता है कि उसे तैयारी का और समय मिले, पर समय चाहे जितना ले लें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों से देश और बिहार की जनता काफ़ी खुश है। मुख्य चुनाव आयुक्त का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इतना ही नहीं, 1961 के चुनाव संशोधन कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 19 जून को ही कानून मंत्रालय को इस पर जो विचार थे और संशोधन के जो कारण पेश किए गए थे उसे भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और अमेंडमेंट हुआ है कि 65 साल तक से ऊपर के उम्र वालों को पोस्टल बैलेट से चुनाव
और अब मतदान की बात की गई थी, उसे भी अब बढ़ा करके 80 साल कर दिया गया है। आपको बता दें कि केसी त्यागी ने हवाला देते हुए कहा है कि कोरोना सिर्फ बिहार या भारत की समस्या नहीं है, बल्कि समूचे विश्व में ये समस्या बड़ी है। अमेरिका में बिहार से बहुत बुरे स्थिति हैं, और इसके बावजूद हाल फिलहाल में वहाँ के 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव भी होने हैं, जो कि अपने नियत समय पर होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई देशों का हवाला दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि साउथ कोरिया में अप्रैल में, जबकि कोरोना पूरे पीक पर था, चुनाव हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दिनों ही सिंगापुर में चुनाव संपन्न हुआ है। मंगोलिया, श्रीलंका सहित कई देश चुनावी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही अगर तेजस्वी यादव चुनाव से डर रहे हैं तो उन्हें चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी चुनाव में उतरने से उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, साफ तौर पर केसी त्यागी का कहना है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में मिली करारी हार से पूरी तरह से तिलमिला गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और इतना ही नहीं अनुभवहीन भी हैं। उन्हें नहीं पता है कि राजनीति और राष्ट्रनीति में क्या अंतर होता है। केसी त्यागी ने कहा है कि जिस तरह की बातें तेजस्वी यादव और उनकी टीम कर रही है, उससे दिवालियापन, नकारापन, झूठ, छल, नाहक आलोचना और प्रपंच के साथ साथ प्रोपगंडा घटिया ढंग के करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हताशा साफ दिख रही है विपक्ष में और विपक्ष के नेता में भी। उन्होंने कहा है कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और हमें चुनाव आयोग पर पूरा पूरा भरोसा है। अब इन बातों को लेकर के जहां एक तरफ RJD के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बातें कही हैं, उससे पहले भी हमने आपको बताया कि लगातार चाहे वो मंत्री नीरज कुमार हों, अशोक चौधरी हों या फिर प्रवक्ता राजीव रंजन, सभी ने चुनाव स्थगित कराने वाले मुद्दे पर जमकर तेजस्वी यादव को घेरा है। इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि अब सुशील मोदी भी हमलावर हो गए हैं, और सुशील मोदी ही नहीं, प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि वो चुनाव आयोग के बीच में दखल अंदाजी न करें। इतना ही नहीं, मंगल पांडे ने भी घेरने का काम किया है और उन्होंने भी कहा है कि तेजस्वी यादव अभी कच्चे हैं, उन्हें राजनीति सीखनी चाहिए। उतना ही नहीं, साफ तौर पे अपने गठबंधन को बरगलाने और अपने गठबंधन के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो देख करके साफ लगता है कि उनमें अभी बहुत कुछ सीखना और बचपना है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के चरतरफा तेजस्वी यादव को घेरने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी मजबूती के साथ हमलावर है। आपने देखा होगा कि किस तरह से गोपालगंज में पुल ध्वस्त होने को लेकर के पूरी तरह से मुखर हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस NDA के 2 घटक दल भारतीय जनता पार्टी और JDU हमलावर हैं, उन्हीं के एक साथी दल LJP तेजस्वी यादव की बातों का समर्थन कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उस स्थिति में चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा संक्रमण बढ़ने का खतरा है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को स्थिति को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, खुद से संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में 2020 के चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव कराने और नहीं कराने के बीच में एक रूपता नहीं है। सत्ता में बैठे दलों में भी चुनाव को लेकर के और कोरोना को लेकर के बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित प्रतिदिन बिहार में हो रहे हैं, आंकड़ा कभी 1300 कभी 1400 भी पहुंच जा रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाल फिलहाल में जिस तरह से
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है कि कोरोना की जांच की गति को तेज करने से ही पता चलेगा कि कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है, और जितना अधिक संख्या में जांच होगा उतना ही अधिक संख्या में जल्दी इलाज भी कराया जा सकता है। इस कोरोना संकट के दौरान अरविंद केजरीवाल की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार पर तो लगातार जांच की धीमी गति के कारण आरोप लग ही रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोरोना संकट के दौरान चीज़ों को प्रभावित करने के लिए और तंत्र का दुरुपयोग करने के लिए भी, जैसा कि लगातार विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव ऐसे समय में हो जब लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो न दें और कोरोना के कारण अपने घरों में दुबके रहें। देखना होगा कि तेजस्वी यादव पर लगातार हो रहे हमले का जवाब किस तरह से दिया जाता है और चुनाव स्थगित कराने के तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर क्या कुछ सामने आता है। क्या तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के लोगों से डर जाएंगे या फिर उन्हें चुनाव में उतरने के लिए अभी और वक्त चाहिए, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। पर इतना तो तय है कि सत्ता पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें सबसे पहले मुफ्त में आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।